मैं नवनीत मिश्रा उरई, जिसमें केमिस्ट्री का जो सिलेबस है आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। जो बच्चे जुड़ना चाहें तो मेरी आईडी और पासवर्ड मैं अपना फेसबुक पे डाल दूंगा और साथ में इसी में आपका यूट्यूब पे आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। जूम ऐप्स को डाउनलोड करिए और उसके साथ आप ऑनलाइन क्लास पढ़ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट की क्लास को, कि जो जो टॉपिक है उसको पहला टॉपिक लेकर चल रहे हैं, जो है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स क्या है? पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व क्या है, मतलब पी ब्लॉक के तत्व। अब पी ब्लॉक के तत्व की बात करें, नाम आया पी ब्लॉक। क्या नाम आया? पी ब्लॉक। जब पी ब्लॉक नाम आया, पी का मीन्स ही है पी उपकोष। अगर किसी तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि बाहरी पी कक्षक में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, तो ऐसे तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व। ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक के तत्व। सीधी बात है कि हम जिस ब्लॉक की बात करें, यदि तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन और किसमें प्रवेश करे, अगर पी पी कक्षक में प्रवेश या पी उपकोष में प्रवेश करता है, तो उसे कहेंगे हम पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि उपकोष के अंतर्गत कक्षक आते हैं, कक्षक से मिलकर बनते हैं उपकोष। तो पी उपकोष में अगर प्रवेश करे तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट में चार वर्ग इंटरमीडिएट में पढ़ने हैं। शेष जो आपका थर्ड डे और फोर्थ है, थर्ड डे वर्ग और फोर्थ वर्ग, ये थर्ड डे और फोर्थ, इनको हम किसमें पढ़ चुके? दोनों वर्गों को जाकर इलेवंथ क्लास में हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं फिफ्थ वर्ग की, सिक्स वर्ग की, सेवेंथ वर्ग और शून्य वर्ग, इनकी बात करेंगे। ये हमें पढ़ने किसमें? ये ट्वेल्थ क्लास इंटरमीडिएट की क्लास में पढ़ने, जो बोर्ड एग्जाम में आने। अब फिफ्थ वर्ग को लेकर हम चले या सिक्स वर्ग, इनके लिए एक ट्रिक बनाया गया, जिससे कि हमें इनमें जितने एलिमेंट इन वर्गों में हैं, उनके एलिमेंट को हमें ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं और इनके परमाणु क्रमांक को ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। चलो एक बार हम बोर्ड पर इसको देख लें कि कैसे ट्रिक है जिनसे हम आसानी से परमाणु क्रमांक को और उनके जाके नाम को याद कर सके, जिससे हमें सिंबल भी तैयार हो सके। चलो देखें, यहां पर जैसे फिफ्थ वर्ग की बात करें तो हमने एक ट्रिक बनाया इसके लिए कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है, अब नेपाल का मतलब क्या है? नाइट्रोजन। पाकिस्तान का मतलब फास्फोरस। ऑस्ट्रेलिया का मतलब है आर्सेनिक। और सब का मतलब है एंटीमनी। और भिखारी मतलब बिस्मत। तो सबको हमने इस तरीके से ट्रिक से तैयार किया, जिससे कि हमें याद बनने लगे किस तरीके से हमें तैयार करना। ये आप देशों के नाम जानते हैं, हमने दे दिया कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, और सबको एक सिंबल दे दिया कि चलो सब भिखारी। आज मान लो लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो हम देखें कि सबको हमारे यहां से टैबलेट मांग रहा है, तो हम लोगों ने इसी बात पर एक ट्रिक बना लिया। तो चलो देखें, इसका परमाणु क्रमांक जैसे सात होता है। अब हमें आगे के परमाणु क्रमांक को याद रखना है, तो कैसे याद रखेंगे? इसमें आठ जोड़ देंगे, तो हमारा सात में आठ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? पंद्रह। फिर हम यहां जाकर अठारह जोड़ देंगे, फिर अठारह जोड़ देंगे, और फिर जाकर बत्तीस जोड़ देंगे। अगर इसमें पंद्रह में अठारह जोड़े तो हमारा इसका परमाणु क्रमांक निकल आएगा, अगर इसमें अठारह जोड़े तो इसका निकल आएगा, इसमें बत्तीस जोड़ दें तो इसका निकल आएगा। तो ये हमारा एक ट्रिक है, जिससे हम परमाणु क्रमांक को निकाल सकते हैं, तैयार कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। इसी प्रकार हम बात करें सिक्स वर्ग की, इसी प्रकार बात करें सेवेंथ वर्ग की, तो ऐसे हम प्रत्येक वर्ग के तत्वों के नाम, उनके परमाणु क्रमांक, उनके सिंबल को तैयार कर सकते हैं। अब इसकी बात करें तो इसमें हमने ट्रिक दिया कि ओल्ड
स्टाइल से पीपो, ओल्ड का मतलब ऑक्सीजन, स्टार मतलब सल्फर, से मतलब सेलेनियम, टी मतलब टेलुरियम, ओ मतलब पोलोनियम। तो ओल्ड का मतलब ऑक्सीडेशन, बात करें कभी एक नॉर्मल तौर पर चर्चा करें कि ओल्ड स्टार से पीपो, ऐसा कोई कहने का शब्द नहीं है, लेकिन हम उसकी चर्चा करें अपने एक याद करने के तरीके के माध्यम से कि चलो ओल्ड स्टार से पीपो। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आठ। अच्छा, हम आठ में ट्रिक वही चलेगा जो हमने पी ब्लॉक के लिए बनाया है। तो ये पी ब्लॉक के लिए ट्रिक बनाया है हमारा, वही ट्रिक इसमें आठ अठारह अठारह बत्तीस से जोड़ देंगे, इसका भी परमाणु क्रमांक निकल आएंगे। जैसे हमने इसमें आठ जोड़ दें तो आठ आठ सोलह ऐसे निकल आएंगे। इसी तरीके से सेवेंथ वर्ग की बात करें तो इसके लिए भी हमने बनाया ट्रिक, फिर कल बाहर आई आंटी। माना कोई एक हमने एक नॉर्मल तौर पर बोल दिया कि चलो लॉकडाउन का समय है, कोई बाहर निकल आए तो हम कहते वो लोग लॉकडाउन तो तोड़ रहे हैं। यह हमने आंटी की बात कर दी कि फिर कल बाहर आई आंटी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोई अगर बाहर आए उसने एक शब्द दे दिया हमने, तो उससे हमने एक ट्रिक बनाया जिससे हम इनके तत्वों के परमाणु क्रमांक इनको तैयार कर सकते हैं और साथ में इनके सिंबल को। तो फिर का मतलब फ्लोरीन, कल का मतलब है क्लोरीन, बाहर का मतलब है ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन और अंति मतलब एस्टेटीन। फिर इसका परमाणु क्रमांक 9 और वही आपका जोड़ने का ट्रिक वही है क्लियर, जिससे हम तैयार कर सके ठीक है। और इस तरीके से हम इस ट्रिक को आगे बढ़ाते हुए आज का फर्स्ट डे का है स्टार्टिंग, तो आज से हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और आगे बढ़ने के लिए जिन बच्चों को जुड़ना है तो हम आपके यूट्यूब पर आईडी उसमें डाल देंगे, इससे आप उस पर जुड़ सकते हैं, उसका पासवर्ड आईडी दे दी जाएगी। और इसी के साथ अगला जो टॉपिक होगा नेक्स्ट डे कल पढ़ाया जाएगा ठीक है।